जब हम जीन्स की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम जीन्स पर काफी सारे टैग्स और लेबल्स एनकाउंटर करते हैं और उस लेबल्स पे उनके फिट मेंशन होते हैं, जैसे कि स्किनी, स्लिम फिट, रेगुलर, रिलैक्स्ड एंड बैगी फिट। सो इस वीडियो में बात करूंगा इन सारे फिट्स के बारे में और कैसे ये एक दूसरे को अलग बनाती है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अवलोकन शर्मा। हाउ आर यू डूइंग? होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड लुकिंग सेक्सी एज़ फक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि इन तीन वर्ड्स को मैं इस वीडियो में काफी यूज करने वाला हूं। तो फर्स्ट वर्ड है क्रॉच, सेकेंड वर्ड है राइज एंड द थर्ड वर्ड इज हेम। चलिए अब बात करते हैं कि क्रॉच किसे कहते हैं। तो क्रॉच बेसिकली उस एरिया को कहते हैं जहां पे हमारा राइट लेग लेफ्ट लेग से जुड़ता है। ये फॉर्मूला हमारे पैंट्स एंड जीन्स पर भी अप्लाई होता है। सपोज कीजिए ये आपका फ्रंट वेस्ट बैंड है, ये बैक वेस्ट बैंड है, तो यहां से हम मेजरमेंट लेते हुए पूरे बैक वेस्ट बैंड तक जाएंगे, इस कंप्लीट मेजरमेंट को हम क्रॉच कहेंगे। अब बात करते हैं कि राइज किसे कहते हैं। तो राइज हमारे मिडिल क्रॉस से लेकर फ्रंट वेस्ट बैंड तक की जो मेजरमेंट होती है उसे हम राइज कहते हैं। अब बात करते हैं कि हेम किसे कहते हैं। तो हेम बेसिकली हमारे पैंट या जीन्स के सबसे बॉटम वाले पार्ट को हम हेम कहते हैं। आई होप कि यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से वहां लेकर जाइए और एक बार और देख लीजिए। अब ये तो हो गया इन तीन वर्ड्स का मतलब। अब बात करते हैं क्या है वो पांच फिट जो जीन्स की फैमिली में अभी अवेलेबल है और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं नंबर वन फिट की, दैट इज स्किनी फिट। तो स्किनी फिट हमारी जीन्स की फैमिली के फिट में काफी नया सा है, क्योंकि ये काफी टाइटर फिट प्रोवाइड करता है हमारे वेस्ट बैंड से लेके हमारे हेम तक, और ये लो एंड मिड राइज के साथ अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं नंबर टू फिट की, दैट इज स्लिम फिट। तो स्लिम फिट ना ज्यादा लूज होते हैं रिलैक्स फिट की तरह और ना ही ज्यादा टाइट होते हैं स्किनी फिट की तरह। ये हमारे वेस्ट बैंड से लेकर हेम तक ये काफी नैरो होते हैं और ये हमेशा मिड राइज के साथ आते हैं। अब बात करते हैं फिट नंबर थ्री की, दैट इज रेगुलर फिट। तो रेगुलर फिट को हम स्ट्रेट फिट के नाम से भी जानते हैं और ये मिड राइज के साथ आते हैं। तो बेसिकली काफी स्ट्रेट होते हैं, हमारे वेस्ट बैंड से लेके हेम तक ये स्ट्रेट होते हैं और इनकी लेग की ओपनिंग काफी वाइड होती है कंपेयर्ड टू स्लिम फिट एंड स्किनी फिट। अब बात करते हैं फिट नंबर फोर, दैट इज रिलैक्स्ड फिट। तो रिलैक्स फिट हमारे वेस्ट बैंड से लेके हमारे हेम तक काफी रिलैक्स्ड रहने वाला है। ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट को हग नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं फाइनल एंड लास्ट फिट की, दैट इज बैगी फिट। तो बैगी फिट हमारी जीन्स की फैमिली में सबसे ज्यादा फिट प्रोवाइड करने वाला जीन्सों में से एक है, इसलिए इसे रूमियस्ट फिट ऑफ जीन्स कहते हैं। तो ये हमारे बट एंड थाई एरिया को सबसे ज्यादा रूम प्रोवाइड करने वाले जींसों में से एक है। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस माई एनी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।